और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ फेस्टिवल डीआईवाई डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ पेपर्स का यूज करके बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में डीआईवाई डेकोर बनाए हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप बना सकते हो इजीली। और ये अगर आप बाहर से खरीदने जाओगे इसमें से कोई भी चीज़ तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे तो बहुत सुंदर बन के भी आएंगी और एक सेटिस्फेक्शन भी होगा दैट आपने बनाया है इसको, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बनेंगी ये सारी की सारी आइडियाज। और बहुत सारी तो ऐसी है जो कि बस 10-20 रुपए में भी बन जाएगी, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में आप सारी डीआईवाई डेकोर आइडियाज बना सकते हो। और अभी कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी आ जाएगी तो आप ये आइडियाज उसके लिए भी यूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप किसी स्पेसिफिक ही डेकोर के लिए आप इसे यूज करें। आपके यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, छोटी मोटी पूजा हो, दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, और कोई भी पूजा हो या फेस्टिवल हो, तो आप उस टाइम पे ये डेकोर आइडियाज आपके घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एक बार बना देना है, उसके बाद सिर्फ आपको डेकोरेट करते जाना है अपने क्रिएटिव आइडियाज के साथ में। सो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। हमारे फेस्टिवल्स अधूरे हैं अगर हमारे फेस्टिवल्स में फ्लावर्स नहीं हो, और गेंदे के फूल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी फेस्टिवल के लिए, और या छोटी मोटी पूजा हो घर में या कोई भी डेकोरेशन हो तो वहाँ पे गेंदे के फूल ज़रूर यूज़ किए जाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्रेप के पेपर लिए हुए हैं, जो कि आई थिंक एक पेपर 10 रुपये में मुझे मिला था। सुई और धागा लेके मैंने धागे को डबल करके ले लिया है, और एक गांठ बांध लूँगी लास्ट में, और एक छोटू सा टुकड़ा है ये A4 साइज़ का पेपर है, कलरफुल। मैं रेड कलर का ले रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं वही फ्लावर पेपर यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटू सा टुकड़ा लिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों लिया है, अभी लगेगा कि क्या ज़रूरत है, बट बाद में आप समझ जाओगे जब आप ये ट्राई कर रहे होगे तब। तो इसे सर्कल में कट कर लिया है मैंने ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, अदरवाइज़ कोई और इसका रीज़न नहीं था। और मैंने पहले उस पेपर को स्टिच कर लिया, उसमें अंदर डाल लिया है, और उसके बाद मैं जो क्रेप पेपर है मेरे उसे कट कर लूँगी। मैंने फोल्ड ही रखा है पूरा जैसे मुझे मिला था उसी तरह से, और कट कर लिया है। अगर आप इसे पूरा ऐसे खोल के कट करने लग जाओगे ना तो चांसेस है कि आप साइड में हमारी कट सेम डायरेक्शन में नहीं आए, इधर उधर जा सकता है, तो फोल्ड में ही कट कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने सुई और धागे से सिंपल स्टिचेस जो होती है, हम जो भी सिंपल सबसे सिंपल वाली स्टिच आप देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, वो वाली स्टिचेस लगा के हमें अपने पेपर को धागे में इंसर्ट कर लेना है, और आप देख सकते हो बस यही करना है, यही प्रोसेस एंड तक, जब तक आपको लगता नहीं है कि आपको बस हो गया ये कलर, तब तक यही करते जाना है। और जब हमारा ये पूरा पेपर सेम कलर का पेपर ख़त्म हो जाए तो हमें बस इसे ट्विस्ट करते जाना है, आप देख सकते हो मैं किस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ, बस सेम एक ही डायरेक्शन में हमें इसे घुमाते जाना है। मैंने स्टार्टिंग में एक पेपर का टुकड़ा लगाया था तो इसका कारण यही था कि जब हम ये पुश कर रहे हैं ना नीचे, वो पेपर हमारा बाहर ना आए धागे से, और यही था उसका रीज़न। और लास्ट में मैं कट कर लूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए और राउंड लुक आए। जैसे कि मैंने बताया, जैसे ही आप इसे स्टार्ट कर दोगे करना तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे, बहुत आसान है इसे बनाना। और मैंने अब दूसरा कलर ले लिया, मैं यहाँ पे सिर्फ दो कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक तो ये येलो और दूसरा ऑरेंज, पर मैंने स्टार्टिंग में रेड कलर यूज़ किया है अपनी माला के स्टार्टिंग में, सबसे नीचे जो है वो वाला कलर रेड लिया है, उसके बाद येलो एंड ऑरेंज, और यही कलर से मैं अपनी पूरी माला रेडी कर लूँगी। और फिर से मैं इसे क्लोज, थोड़ा पास क्लोज ले रही हूँ, और फिर जहाँ पे मेरा एंड हुआ था वहीं से इसे ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि एक ऐसा अलग अलग नहीं लगे, एक लाइन जैसा लगे इसीलिए, और ट्विस्ट करती जाऊँगी और फिर पुश करेंगे, फिर अच्छा लगेगा।
एंड सेम प्रोसेस रिपीट करना है। आप जितनी लंबी इसकी माला बनाना चाहते हो उतनी बना सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी उतनी। आप चाहे तो बहुत लंबी भी बना सकते हो। ये माला बनने के बाद इतनी सुंदर लगती है ना कि आप लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने ऐसे ही पेपर से बना दी है। बस इसकी प्रॉब्लम यह है, पेपर से बनाने के बाद इसकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इसे पानी में नहीं भिगो सकते बिल्कुल भी, या थोड़ा सा भी फोल्ड करके ऐसे नहीं रख सकते छोटी सी जगह पे। हमें इसे अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा किसी जगह पे, और मैं तो इसे कार्डबोर्ड में स्टोर करके रखती हूँ और वहाँ पे अच्छे से रह जाती है माला ठीक से। अदरवाइज़ ये पूरा चपटा हो जाएगा क्योंकि ये पेपर है। हम अपनी अगली DIY आइडिया में एक कैंडल होल्डर बनाने वाले हैं जिसमें कि हम फेस्टिवल्स के लिए बहुत सुंदर तरीके से इसे सजा सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी का यूज़ किया है, आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। क्ले से बहुत आसान है, आप मैं तो सजेस्ट करूँगी आप क्ले से बनाओ, पर मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया क्योंकि उस टाइम मेरे पास क्ले अवेलेबल नहीं था। या अगर आप चाहते हो तो क्ले से आसानी से बन जाएगा, अदरवाइज वॉल पुट्टी से भी बन ही जाएगा, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि क्ले का टेक्सचर थोड़ा अलग होता है और इसका थोड़ा सा अलग ही होता है। या तो बस मैंने उसके लिए एक कार्डबोर्ड लिया है और वॉल पुट्टी को का पेस्ट बना लिया है जिसमें कि वॉल पुट्टी हार्डवेयर स्टोर में किसी भी अवेलेबल हो जाएगी, 20-30 रुपये में मिल जाती है 1 किलो। और पानी डाल के हम लोग उसका एक डो बना लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। वो थिक ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डाल लेना क्योंकि वॉल पुट्टी का पेस्ट बहुत जल्दी पतला हो जाता है। तो मैंने वो सर्कल में कट कर लिया था कार्डबोर्ड, उसी साइज़ का मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट भी कट कर लिया है और मैंने कार्डबोर्ड पे फेविकॉल की हेल्प से वॉल पुट्टी को कार्डबोर्ड पे चिपका दूंगी। बहुत आसानी से चिपक जाता है अगर आप क्ले भी यूज़ कर रहे हो तो, अगर फेविकॉल यूज़ कर लो बहुत अच्छे से उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। और मैंने थोड़ी सी एजेस छुपाने के लिए कार्डबोर्ड के उसे थोड़ा सा पुश किया है अपने पुट्टी को, क्योंकि हम जब इसे पुश कर रहे होते हैं अपने पुट्टी को तब हमारे फिंगरप्रिंट्स उस पर उड़ जाते हैं, और इसीलिए हम उसे थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं टैल्कम पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि पुट्टी नीचे चिपके नहीं और बहुत आसानी से निकल के आ जाए। आप क्ले के साथ भी सेम कर सकते हो, जो भी स्टेप्स मैं वॉल पुट्टी के साथ कर रही हूँ सेम आप क्ले के साथ भी कर सकते हो अगर आप क्ले यूज़ कर रहे हो तो। फिर मैंने छोटे से सर्कल में एक ढक्कन है किसी चीज़ का, आई थिंक परफ्यूम की बॉटल का ढक्कन है, वो उसका सर्कल्स कट कर लूँगी मैं और ऐसे ही बहुत सारे बना लेने हैं। चिपका रही थी उसे तो वो चिपक नहीं रहा था, तो पानी का यूज़ किया मैंने बताया आपको। एक तो आप अगर आपके क्ले को सरफेस, अगर आपको आपके क्ले का सरफेस अगर स्मूथ चाहिए तभी भी आप पानी यूज़ कर सकते हो, या आपको अगर क्ले चिपकाना है तभी भी पानी का यूज़ कर सकते हो या फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से मैंने पेटल्स बना लिए, बहुत सारे पेटल्स बना लूँगी मैं। और पहले तो मैंने वो ऐसा ढक्कन का यूज़ करके किया था, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा और मुझे यही इजी लगा तो मैंने इस मेथड से सर्कल्स बना लिए। आप सेम मैंने जो फर्स्ट टाइम में मेथड ही कही थी वो भी फॉलो कर सकते हो। और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा, इसे ड्राई होने में एटलीस्ट दो तीन घंटे लग जाएंगे,
जब ये ड्राई हो जाएगा तब फेविकॉल का यूज़ करके मैं सबसे एंड में 5 पेटल्स चिपका रही हूँ। और बीच बीच में फिसल रही थी क्योंकि वो अब तक चिपका नहीं है ठीक से, इसीलिए ड्राई होने के बाद वो सेटल हो जाएगा। और सेम ऊपर भी उसके बाद में भी 5 पेटल्स चिपका दूंगी। और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो और सिंपली अपना कैंडल इसमें रख सकते हो। मैंने ये कर लिया तो मुझे लगता है अच्छा ही है क्योंकि इससे एक हाइट मिल जाती है हमारे कैंडल को और अच्छा भी दिखता है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया, अच्छे से चिपक गया। और फिर उस पर मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर है ये, तो उससे यूज़ करके मैं पूरे अपने लोटस को पेंट कर लूँगी पिंक में। और जब ये और थोड़ा सा गोल्डन कलर ले रही हूँ और उससे थोड़ा सा एंटीक लुक देने के लिए मैं कॉर्नर्स में, एजेस में, कहीं पे गोल्डन कलर फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा एंटीक लुक आए। और या और हमारा कैंडल होल्डर रेडी है। थर्ड डेकोर के लिए मैं एक केक का बेस यूज़ कर रही हूँ और जो कि MDF बोर्ड है, तो उसके ऊपर जो गोल्डन कलर का पेपर था उसे मैं रिमूव कर लूँगी और मैं यहाँ पे येलो कलर पूरे MDF बोर्ड पे अप्लाई कर लूँगी। सिंपली येलो कलर अप्लाई कर लिया, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन रखा है, रेड वाइट एंड येलो। या तो बस मैं 2-3 कोट अप्लाई कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा रेडी हो जाए बेस। और उसके बाद मैं कैंडल्स, जो यूज़ की हुई कैंडल्स होती है ना, तो वो वालों का वो उसकी जो कटोरी या क्या होता है वो यूज़ कर रही हूँ। और उसमें मैंने पेंट कर लिया रेड कलर का, इसको पूरा पेंट कर लूँगी। सेम एक्रेलिक कलर ही है ये भी रेड कलर का, तो उससे मैं इसे पूरा पेंट कर लूँगी और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और ऐसे 2 यूज़ कर रही हूँ मैं कैंडल्स। और लास्ट में मैं एक सुई धागा ले रही हूँ और इसमें जो पर्ल्स है वाइट कलर के वो डाल दूंगी और एक लंबी सी माला बना लेनी है, बहुत लंबी। और जब हमारी माला रेडी हो जाएगी, ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पर सब कुछ चिपकाती जाऊंगी, पहले वो 2 कैंडल्स और उसके बाद वाइट कलर की जो मोतियों की माला बनाई है उसे चिपका लूंगी। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी इंस्टेंट ग्लू यूज़ कर सकते हो, बट फेविकॉल से मुझे नहीं लगता ये अच्छे से चिपकेगा। तो आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर थाली बन के रेडी हो चुकी है हमारी पूजा के लिए। यहाँ पे मैं एक वॉल हैंगिंग बनाने का प्लान कर रही हूँ, वॉल डेकोर,
जिसमें कि मैंने एक पेपर ले लिया A4 साइज़ का और उसे कट कर लिया है, एक स्ट्रिप कट कर लिया उसकी और उसे एक पिन का यूज़ करके सिक्योर कर लिया है और बस सिंपल से छोटे छोटे कट्स लगाती जाऊंगी एक साइड में। हमें पूरा कट नहीं करना है और सबके जो कट्स हैं वो एक लाइन में आने चाहिए। इसके लिए आप एक लाइन भी खींच सकते हो पहले जहाँ पे जहाँ तक हमें उसे कट लगाना है, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कट करना। और यस, मैं पूरे में कट कर लूँगी। और वो पिन जो यूज़ किया मैंने, अगर आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बस उससे होगा ये कि हमारा पेपर इधर उधर हिलेगा नहीं और हम लोग दो जैसे हम लोगों ने फोल्ड किया है तो वो एक साथ ठीक से कट हो जाएंगे और हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जब हमारा ये कट पूरा हो जाएगा कट करके, तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है ग्रीन कलर की और उसे मैं त्रिकोण आकार में कट कर रही हूँ। और जब हमारे ये दोनों कट करके रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना येलो कलर का पेपर और ग्रीन कलर के पेपर को एक साथ स्टिक कर लूँगी फेविकॉल की हेल्प से। और उसके एक एंड में एक सुई का एक कोना नहीं होता जहाँ पे हम धागा डालते हैं, उसको उसका यूज़ करके एक कोने में अटका के बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पेपर है तो उसे हाथ से करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने सुई का यूज़ किया। अगर आप हाथ से कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। तो बस सेम मैंने उसे फोल्ड करके एक सर्कल रोल करती जा रही हूँ पूरे, और आप देख ही सकते हो एक फ्लावर का शेप आ रहा है इस पेपर में। और लास्ट में भी फेविकॉल की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर लूँगी और जो हम लोग उसके बेस को भी स्टिक कर रही हूँ मैं, ताकि वो बाहर नहीं आए। जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने वो क्यों किया। और अब बस मैं अपनी पेटल्स को थोड़ा सा फ्लावर का रूप दे रही हूँ, क्योंकि वो अब तक उतनी ज़्यादा ऐसा फ्लावर वाला लुक नहीं आ रहा उसमें से। तो यस, मैंने छोटू सा फ्लावर बना लिया है। हमारी पेपर लीफ रेडी हो जाएगी और उसके बाद हमें आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है 4। ये फ्लावर्स भी हम लोगों ने 4 बनाए हैं येलो कलर के, और 4 ही लीफ बनाई है हम लोगों ने। सो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को स्क्वायर में ऐसे चिपका लूँगी और उसके ऊपर जहाँ पे जॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे मैं वो येलो कलर के फ्लावर्स चिपका दूँगी और साथ में वो लीफ भी। और आप देख ही सकते हो ये ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है उसके ऊपर, उसके साथ में हम लोग लीफ भी चिपका देंगे। अगर आप चाहे तो लीफ अगेन स्किप कर सकते हो और इसे एक मिनी सा वॉल हैंगिंग वॉल डेकोर रेडी हो जाएगा हमारे फेस्टिवल्स के लिए। हम छोटे मोटे पूजाओं के लिए हम लोग अपने बैकग्राउंड का इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा डेकोर रेडी हो जाता है हमारा।
यहाँ पे मैं वाटर कैंडल्स बना रही हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे बना सकते हो, और सारी की सारी चीज़ें हमारे घर पे ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उन चीज़ों से मैं ये वाटर कैंडल बनाऊँगी और दिखने में इतनी सुंदर लगती है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल में बन जाएगा। सो उसके लिए मैं ग्लास की कुछ चीज़ें ले रही हूँ, जिसमें एक बाउल है, एक छोटू सा ग्लास है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ही, थोड़ा कम ही डालना है फुल होने से पहले। और उसके बाद मैं वो जो बाउल है उसमें कुछ पर्ल्स, आप चाहे तो डालिए, आप अदरवाइज नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, उतना ही सुंदर लगेगा, बस साइड से देखने में और ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसके बाद मैं कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो भी आप खाने में ऑयल यूज़ करते हो वो डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं कॉटन ले रही हूँ, और जब हम अपने कॉटन को पानी में डाल देंगे तो जो भी ऑयल है वो कॉटन सोक कर लेगा और हमारा दिया रेडी हो जाएगा जलने के लिए। और हमारे वाटर कैंडल्स रेडी हैं। इस DIY का यूज़ आप अपने घर के वॉल डेकोर के लिए भी कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग की तरह। और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको बिल्कुल भी रंगोली बनानी नहीं आती तो आप इसे एज ए रंगोली भी यूज़ कर सकते हो, आपको इस वीडियो में आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो मैंने एक पिंक कलर का पेपर ले लिया, A4 साइज़ का पेपर है, उसमें से कट करके जो मैंने मेजरमेंट दिया था उस मेजरमेंट का ये पेपर कट करके एक कोन बना रही हूँ, और इसी तरह से बहुत सारे कोन बना लेने हैं। फेविकॉल का यूज़ करके मैंने इसे चिपका दिया है, तो ऐसे ही बहुत सारे बना लेने हैं हमें। और यहाँ पे एक पिंक कलर के बहुत सारे बने हैं, तो 10x10 का एक ग्रीन कलर का पेपर यूज़ कर रही हूँ, और सेम वैसे ही कोन बना लूँगी मैं, और ऐसे बहुत सारे बना लेने हैं, 2-3 कलर के अलग अलग शेप के हमें बना लेने हैं। और यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड ले रही हूँ जिसको मैंने सर्कल में कट कर लिया है, और उसके ऊपर ये सारे कोन चिपकाते जाऊँगी मैं। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का गोला बना रही हूँ, इसको एक साथ ऐसे गोले की तरह बना रही हूँ, ताकि वो जो गड्ढा हमारे यहाँ पे बना है ना, जो हम लोगों ने
कोन चिपकाए हैं उस वक्त, तो उसे फिल करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और वहाँ पे मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे चिपका दूँगी, ताकि हम जो अभी वो स्टोन्स का बनाया हुआ मिरर वाला वर्क है उसे यहाँ पे चिपका सके और वो थोड़ा सा उठ के दिखे और बहुत अच्छे से ईजीली चिपका सके, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पे फिल कर लिया है। और आप देख सकते हो बहुत आसानी से इतना सुंदर सा वॉल हैंगिंग आपके पास रेडी है। बस मैंने, अगर आप एक बिगिनर हो, रंगोली बनानी नहीं आती आपको बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एज अ रंगोली भी, आप देख सकते हो मैंने इसे कैंडल्स की हेल्प से बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर लिया है एज अ रंगोली। कार्डबोर्ड ले रही हूँ जो कि आई थिंक वाटर प्यूरीफायर के साथ आया हुआ ही है और बहुत पुराना है। अब यहाँ पे मैं मेजरमेंट्स डाल रही हूँ जो कि मैंने सेम वहाँ के कॉर्नर से निकाली हुई मेजरमेंट्स हैं, जिसमें से कि लंबाई थी 43 इंचेस और चौड़ाई थी कॉर्नर की 21 इंचेस। तो सेम मैं, मेरे को जितना चाहिए उतना कार्डबोर्ड का मेजरमेंट लेके बाकी का एक्स्ट्रा जो भी है उसे काट दूँगी। तो मैंने अपना कार्डबोर्ड जो भी एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स डाल रही हूँ और ये इसकी चौड़ाई जो थी कार्डबोर्ड की वो 21 इंचेस की थी, इंचेस। तो उस हिसाब से मैंने 7 और 7 के ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं, 7x7 के, और उसे उसके स्क्वेयर्स बना लिए हैं। सो आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो मैंने अब थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा छोड़ दी है, ताकि वैसे भी मुझे वहाँ पे कुछ स्टूल या कुछ रखूँगी मैं तो वो उसके पीछे ही छुप जाएगा। सो इसीलिए मैंने उस एरिया का नीचे वाला एरिया जहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था लंबाई में, सो वो वाला एरिया ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद मैं क्रेप पेपर्स ले रही हूँ, तो ये बहुत आसानी से हमें स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। तो उसमें से का मैंने कट कर लिया है और इस 6x6 के स्क्वायर कट कर लूँगी। और पूरे आई थिंक मैं दो कलर ले रही हूँ, जिसमें का पहला होगा येलो और दूसरा होगा ऑरेंज, तो वही वो दोनों कलर के मैं स्क्वायर कट कर लूँगी 6x6 के। आई थिंक मैंने ना 50 रुपीज़ के लेके आई थी मैं ये दो कलर के पेपर्स, तो वो उतने में काफ़ी हो गया था मेरा, और जो कार्डबोर्ड है वो तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। सो अभी मैंने जो स्क्वायर कट किया था उसे ले लूँगी और अपने कार्डबोर्ड में मैं स्क्वायर जहाँ पे बना रही हूँ ना, आपको डिज़ाइन देख के समझ जाओगे आप कि मैं क्या कैसे बना रही हूँ। सो उसे एक्सप्लेन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो आप देख के समझ जाओगे। मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ किया, तो ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल यूज़ करना, पेन भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो इस जगह पे। और उसे मैं सेंटर में अपनी पेंसिल को रख के थोड़ा सा आप देख सकते हो फ्लावर का टाइप का शेप आ जाता है उसका, और वो चिपका दूँगी मैं फेविकॉल से। और इसी तरह से मैं अपनी प्रोसीजर पूरी कर लूँगी
बस आपको क्या करना होता है जब चिपका रहे हो ना आप, ये मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम कर रही थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे स्टार्टिंग में, पर लेकिन बाद में बहुत ईजी थी। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये अगर आप ऐसे करना चाहोगे तो, और बहुत सुंदर भी लगता है जब आप ये बना लेते हो पूरा। तो मैंने पूरे में पेपर चिपका लिया है और यस, अगर आप चाहे तो मैंने जहाँ पे स्पेस खुला रखा है वहाँ पे भी किसी और कलर से आप सेम बना सकते हो, बट मैंने कुछ भी नहीं किया है, वहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर से उस एरिया को फिल कर लूँगी जो कि रेड कलर का होगा। सो ये एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, एक्रिलिक कलर रेड कलर का। सो या जहाँ पे मैंने ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ जगह है वहाँ पे वो पेंट कर लूँगी और उसके ऊपर स्वस्तिक ड्रॉ कर लूँगी। तो आप भी उसकी जगह आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने स्वस्तिक ईजी था इसीलिए मैंने वही चूज़ किया और अपना पूरा मैं डेकोरेट कर लूँगी। और मेरा बैकग्राउंड पूरा रेडी हो चुका है और इसको कैसे डेकोरेट करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी आइडियाज़ दिए वो सारे हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो क्या आप इसमें से एक भी आइडियाज़ रिक्रिएट करोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। अगर आप अपने घर को फेस्टिवल रेडी करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदो, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में आप ये सब बना सकते हो खुद से और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे। अगर लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।